हैं। अब देखिए, अब ये फंसे नहीं है, ये इनका प्रेम है। एक समता कर रहा हूं मैं और आपसे भी उपेक्षा करूंगा। उपेक्षा की अपेक्षा क्या? अपेक्षा करूंगा, क्या करूंगा? ये रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में। ये सागर में रहते हैं और वो हिमालय में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। तो महाराज ये फंसे नहीं रहते, ये वही रहते हैं, फंसे नहीं है। कहां रहते हैं? ससुर घर ये दोनों रहते हैं। न ये कम है ना वो कम है, हरी हरी हर एक है दोनों। अब आयो न ये कम है ना वो कम है। और अवलोकन कर रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी के मध्य में हरी हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। प्रभावित हुए हैं हमारे कल्लू गुप्ता जी आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं और हमारे श्री पप्पू वर्मा जी आपके द्वारा भी 21 पत्र मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। आइए, प्राणी फंसता कहाँ है जरा ध्यान देना, प्राणी फंसता कहाँ है? प्राणी फंसता है चाल में, और ये चाल क्या है? आइए रामचरितमानस से लीजिए, जोड़ो फिर ऐसे जोड़ो, बात फंसने की जोड़े कृपा से पड़े हो। अरे गृह कारजी, गृह कारजी नाना जल चाला ओते अति दुर्गम सैल विशाला। क्रिय कारज नाना जंजाला, ये जंजाल है क्या? क्रिय कारज तो आज से तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हो, इसलिए तुम जंजाल में फंसने जा रहे हो। तो आज से फंसने का शुभारंभ हो गया है। हम नहीं फंसे, हम ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी ही रहेंगे। इसलिए अब कहते हो कि ससुर के घर में रहते रहते तो हैं, लेकिन ससुर के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये भी जरा देखो कैसा है। अरे इन्होंने, अरे इन्होंने सिंधु को डांटा, सिंधु सिंधु की सुता लक्ष्मी का पाणि ग्रहण संस्कार हुआ तो ससुर सिंधु बना, तो किया क्या? विनयन मानत चलत चल गए 3 दिन बीत तब टाटा। इन्होंने अरे सिंधु को डांटा और उन्होंने तच्छ सिर काटा, ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। देखिए महाराज, संसार में फंसते वो है जो मोह निशा सब सो बनिहारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा, जोग वियोग भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। लेकिन बचा कौन रहता है? जो एही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और ये सार्थक तभी है जब सीधे श्री राम जी की कृपा होती है, तभी धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वो व्यक्ति कहीं नहीं फंसता है। कहना है इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने तक्ष सिर काटा, तो इनके जीवन में क्रोध ही नहीं प्रेम भी है। और प्रेम कहाँ है? रमा की बात ये माने,
और उमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने। अब ये प्रेम की भाषा समझते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो प्रेम की भाषा समझने के लिए ये दोनों एक हो गए कि नारी सम्मान करने में या पत्नी का ध्यान रखने में न ये कम है ना वो कम है हरि हर। हाँ, आप कहते हैं पत्नी का सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। हाँ, कम तो नहीं। नार विवक्ष जग सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नाई। ठीक कह रहे हो, ऐसे ही नाचता है जैसे मरकट माने बंदर। नारी के सामने प्राणी ऐसे ही पति देवता ऐसे नाचते हैं। और पत्नी पति का तुम संबंध ही बता रहे हो। आइए, अब प्रेम की बात है तो एक सज्जन ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो भंग का प्याला पीते हैं, क्या ये भी कुछ इसी प्रकार से पीने का मन करते हैं? तो समाधान आया कि ये पीते या उनकी बात करें तो वो पीते भंग का प्याला और ये पीते प्रेम रस प्याला। वो पीते भंग का प्याला और ये पीते प्रेम रस प्याला। अरे नशे में इधर देखो, अरे नशे में आराम से, नशे में बहुत ऊंचाई है दोनों रहते हैं। अरे नशे में दोनों रहते हैं न ये कम है न वो कम है। हरी हर एक है दो न ये कम है न वो कम है। देखिए, जब व्यक्ति नशे में हो जाता है तो एक नशे का लक्षण है कि वो पैर रखता कहीं और पड़ता कहीं, जाना कहीं चाहता पहुंच कहीं जाता है। लेकिन महाराज ये इतने दृढ़ निश्चयी हैं, इतना लक्ष्य इनका केंद्रित रहता है कि चाहे महाराज कितना भी प्रेम का और भांग का नशा क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य कितना केंद्रित है। ये महापुरुष है, महान शक्ति है इनके पास, इनके पास। उन्हें कहते हैं त्रिपुरारी, साधारण बात नहीं है असुर का संहार करना। और इन्हें कहते हैं त्रिसरारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरारी। उन्हें कहते हैं त्रिपुरारी और इन्हें कहते हैं त्रिसरारी, भूमि का भार हरने में या यूं कह दें कि असुर संग नाम रखने में न ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है वो कम है। इनके नाम में चंदा रामचंद्र, इनके नाम में चंदा और उनके माथ पे चंदा। शंकर जी को आपने देखा होगा चंद्रमा मस्तक पर है। इनके नाम में चंदा और उनके माथ पे चंदा। भक्त का सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरी हर एक है दोनों। अब देखिए महाराज,
आपने मस्तक की शोभा देखी और नाम की शोभा देखी, लेकिन इनके कर्म भी कितने शोभनीय हैं, तभी तो इनकी शोभा बढ़ती है। उनके शीश से गंगा, मां गंगा का कौन नहीं महत्व जानता है, लेकिन प्रवाह कहां से हो रहा है, और इनके पद से है गंगा। जो विष्णुपदी है वही जटा संकरी है, उनकी जटाओं से प्रवाहित हो रही है और इनके चरणों से प्रवाहित हो रही है माता गंगा। अरे उनके शीश से गंगा और इनके पद से है मां गंगा का प्रवाह करने में न ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों दोनों न ये कम है मेरा एक गया। अरे इन्होंने अर्थात शंकर जी ने उन्होंने काम को जारा और इन्होंने सुबाव को जारा असुर का संहार करने में न ये कम है न वो कम है हरि हर एक है दोनों। सुंदर भैया और श्री भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के द्वारा हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है प्रस्तुति का अवलोकन कर रहे हैं हमारे राजू शर्मा जी। आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं और ग्राम बीसरमऊ औरैया से अवनीश जी आपके द्वारा भी 21 पत्र मुद्राएं मंचासीन विभूतियों को सादर प्रदत्त की गई है। कोट कोट धन्यवाद। कहा वो बिचारी ऋषि अति बड़ी लग चूक हमारी हे नाथ ऋषि अति बड़ी लग चूक हमारी इसमें चूक ना ही लक्ष्मण के नाप की ये तो हमारी है आपकी है राघव तो फिर मैं चाहता हूँ कि राम रमापति कर धनु ले कहीं चहु मोर मिटे संदेह आप चल गए हो परशुराम मन विस्मय भय जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाद जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। आइए और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग जो हमारे YouTube चैनल धर्म पाठशाला के माध्यम से हमारे इस कानपुर महानगर की इस पावन लीला का आयोजन हमारे संपूर्ण देश में प्रसारित कर रहे हैं आपकी ओर से हमारे श्रीमान धर्मराज मिश्रा जी दो धारूपुर फतेहपुर के निवासी हैं और वर्तमान समय में आप फतेहपुर से धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। आपकी ओर से 25 पत्र मुद्राएं श्री राम जी 25 पत्र मुद्राएं श्री लखनलाल जी 25 पत्र मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी 25 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय व्यास जी और साथ ही 25 पत्र मुद्राओं का ये आर्थिक दान प्रदान किया गया है हमारे YouTube चैनल धर्म पाठशाला को श्रीमान धर्मराज मिश्रा जी धारूपुर निवासी वालों की ओर से मंडल की ओर से कोट कोट धन्यवाद। आदरणीय संचालक महोदय धर्मराज जी मिश्र ये यथा नामे तथा गुणे जी जैसा इनका सुपवित्र नाम है वैसा ही इनका अति पवित्र काम भी है। आज उन्होंने अपनी आस्था धर्म पाठशाला के माध्यम से व्यक्त किया है हम कोट कोट उनको शुभ आशीर्वाद देते हैं। बड़े भगवान के अच्छे भक्त हैं प्रभु
आपके अमल कमल पदाम्बुजों में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं, स्वीकार करें। ये वही नाथ की जय बने जिमो हमारी उबारो ये मारो शरण मैं तुम्हारी इस उत्थार्थ नाथ था मैंने पुकारा अरुचाना नहीं था कि अंतिम किनारा न जाना था भगवन रमा के पति हो न जाना था अज को कि अंतिम कति हो अरे नहीं तो इसमें लखन है तुम्हारा हुआ है वही जो था मैंने बिचारा हुआ है वही जो थी मेरी पीछा इसी बहाने ब्रह्म की लेनी परीक्षा क्षमा कीजिएगा लाल से सावतारी उबारो हे मारो शरण हम तुम्हारी आपके चरणों का जो दास बनता आपसे हृदय से लगाते आज से ये परस्थर आपके चरणों का दास बनता भगवान अरे जो दास बन गया चरणों का अब उसे हृदय से ठुकराना हे राम तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना बिखराना मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान प्रतिबिंब तुम्हारा पा करके बलिदान कर दिया जीवन अपना तन मन थन सब बिसरा करके यदि विश्वास हृदय में हुआ न हो ये कठिन कुटा है मुटाला अपने हाथों से काट कंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं अब मेरी हृदय भावना है ये मेरी हृदय भावना है हे राम तुम्हारे बाणों का मेरा मानस खर बन जाए रसिकेश त्राण हो प्राणों का आपके श्री चरणों में हम अंतिम स्तुति प्रस्तुत करते हैं स्वीकार करें भगवान अरे ये रग कुल में सूर समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे दुष्टों के हेतु कृसान हो तुम हे लखन तुम्हारी जय होवे शंकर मन मानस पराल हे राम तुम्हारी जय होवे और सुमित्रा के लालन हे लखन तुम्हारी जय होवे ये कौशल्या के नयन सितारे हे राम तुम्हारी जय होवे
इस परशुराम के महाप्रभु हे लखन तुम्हारी जय होवे। ये शिव स्वरूप को विदुरक्षक अब राम तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के प्यारे हे राम तुम्हारी जय होवे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए लखनलाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बोलिए श्री शनिदेव धाम की। मैं अब ये चाहूंगा कि हमारे कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण आए, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण जी और प्रभु श्री परशुराम जी के विदाई के साथ आशीर्वाद लेने का प्रयोग हम लोग करें, मंच पे आ जाएं। कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण मंच पे आने का कष्ट करें। भाई प्रमुख व्यवस्थापक रमाकांत जी वीडियो जरूर बना के, और हमारे कन्हैया लाल जी, आपने मंच पर विद्यमान तीनों महान मूर्तियां प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भार्गव परशुराम जी के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं प्रदान की हैं, और नवयुवक रामलीला समिति नहर कोठी पुल दादा नगर की समिति के अध्यक्ष जी हमारे श्री बीएन तिवारी जी से चाहेंगे कि जो हमारे इस मंच की परंपरा रही है माल्यार्पण, तो आपके द्वारा भार्गव श्री परशुराम जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को माल्यार्पण के साथ साथ मंच से विदाई, और चाहेंगे सभी लोगों से मन और वाणी को पवित्र करते हुए सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए हनुमंत लाल की। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय तिवारी जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष उसे कहते हैं अत माने सामने और अच्छ माने नेत्र, अपने नेत्रों के सामने जो कार्यक्रम को संपादित होता हुआ देखे उसका नाम अध्यक्ष। तो आज माननीय श्री तिवारी जी ने संपूर्ण कार्यक्रम को अपने नेत्रों के सामने इस व्यवस्था के साथ देखा, इसलिए सबको हमारा शुभ आशीर्वाद। चरी कर्त भवयम सदा ते रमेशो कलेशो चरी जर्तु विप्रम तुदीयम नडी नर्तबाणी सदा ते मुखाबजे तरी दर्तु ते शत्रु वर्जन हमेशा। समित को शुभ आशीर्वाद, बंचा सिंह सभी पदाधिकारियों को शुभ आशीर्वाद, समाज में उपस्थित जो भी भक्तगण आए हैं मैं उनको भी परमात्मा की ओर से कोट कोट शुभाशीष देता हूं। फिलहाल परशुराम और लक्ष्मण जी की और भगवान श्री राम जी के इस वाक्य से दिल इतना गदगद हुआ है, इच्छा होती है कि हर महीना ये प्रोग्राम कराया करें, लेकिन मैं मजबूर हूँ, एक वर्कर हूँ, हर महीना नहीं हो पाता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सदैव ऐसे सहयोग करते रहें, ये प्रोग्राम हर वर्ष होता रहेगा। जय श्री राम।